गाजियाबाद पुलिस ने आशीष चौधरी नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार, जो पुलिस की नकली वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाया करता था और लूटपाट किया करता था। तलाशी के नाम पर लूटपाट करने वाले आशीष को दिल्ली पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि आशीष पर पहले भी मुकदमे हैं। पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे आशीष की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। आखिरकार सहीबाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उससे दिल्ली पुलिस की नकली वर्दी बरामद की है। पिछले कुछ दिनों में साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दो घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति पुलिस वाला बन के राहगीरों की जामा तलाशी ले रहा था और उसमें जो भी पैसे उसको मिल रहे थे वो अपने पास लेके चला जा रहा था और उनको बोल रहा था कि चौकी पे आ जाइए। जब वो चौकी पे पहुंचते थे तो उनको वैसा कोई शख्स नहीं मिलता था। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में आज एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष चौधरी है उसको गिरफ्तार कर किया गया है। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। पूछताछ पे इसने बताया कि ये पुलिस की वर्दी पहनता था और अपने बाइक पे पुलिस लिखकर घूमता था और राहगीरों को पुलिस वाला बनकर चेक करता था। इससे एक तो पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जनता में भय भी व्याप्त हो रहा था। अच्छा काम करते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि पूर्व में भी ये दिल्ली में इम्पर्सनेशन में पुलिस वाला बन के लोगों से पैसे लेने में वर्ष 2014 और 17 में जेल जा चुका है। इसने ये बताया कि इसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, जो कि ये नहीं निकाल पाया था, और इसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके परिवार वाले थे जिनको कि जिससे कि इसको शादी करनी थी, तो शादी की बात ना टूटे इसलिए झूठ उसने उन लोगों को बोला कि ये पुलिस में भर्ती हो गया और उसके बाद पहली बार इसने वर्दी सिलवाई और फिर ये गलत रास्ते पे चला। अभी जो दो घटनाएं थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हुई थी, जिससे कि इससे पैसे बरामद हुए, उसके कुछ पैसे इसने ये बताया कि ये जुआ में और नशे में उड़ा दिया और साथ ही शिमला घूमने गया था, जिसमें कि वो पैसे इसके खर्च हुए।